बॉल यहाँ पर अमित अंश क्लब कहाँ की ओर से उनके सामने है गोलकीपर तरुण बेहतरीन गोल तरुण के पास कोई मौका नहीं तरुण बाएं और भागना चाहते थे और अमित चलाके से शॉट को उनके दाएं और मार बैठे और फिलहाल स्कोर 2-2 दोनों हंसता उनके सामने गोलकीपर सौरभ कांत हंस क्लब पाके के टाई ब्रेकर में देखना है कौन सी टीम टाई को यहां पर ब्रेक करती है और अपने आप को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाती है जहां पर उनका सामना होने वाला है फुलंडो एफसी के साथ। बेहतरीन शॉट आया जरूर था गोलकीपर जज भी किए थे लेकिन अफसोस करेंगे यहाँ पे धोना शॉट पावर पोस्ट से टकरा कर सीधे बाहर चली गई और इस तरह से मायूस थोड़ी सी नजर आ रही यहाँ पर मामा स्विंग टीम। निमाई चेस नंबर 16 तीसरा शॉट लेने के लिए जाते हुए यहाँ पर अंश क्लब कांके की ओर से दर्शकों से भरा ये स्टेडियम भूसुर का मौका है निमाई के पास अपने टीम को बढ़त दिलाने का काफी लंबा रनअप यहां पर निमाई के द्वारा बेहतरीन लेकिन उतने अच्छी बचाव काफी अनुभव उनके पास तरुण महतो एक आसान सा बचाव उनके लिए और फिलहाल स्कोर फिर से यहाँ पर विवेक सिंह प्लेयर चेस नंबर 8 में विवेक सिंह जा रहे हैं शॉट को लेने के लिए का है विवेक के पास स्कोर को बराबर करने का
छोटा रन और बेहतरीन गोल, गोलकीपर के वायो से नेट में यहाँ पे बॉल को झिला उलझा चुके हैं विवेक सिंह, और इसी के साथ एक बार फिर से यहाँ पे बराबरी का मैच चलता हुआ। फ्रांसिस अंश क्लब की ओर से चौथा शॉट लेने के लिए चाहते हुए जश्न बदल फ्रांसिस चातरूर इस शॉट को बचाकर एक मौका देना चाहेंगे मामा एसपी की टीम को बढ़त बनाने का। फिलहाल फ्रांसिस तैयार है यहां पर बॉल को बेहतरीन शॉट जज जरूर किया गया था तरुण के द्वारा, लेकिन शॉट उनसे काफी ऊंची और इस तरह से एक बार फिर से आगे होते हुए यहां पर रन कर पाएंगे की टीम। बाहर सुनील लोहार काफी छोटे सभी खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन उनके पास हौसले काफी ऊंचे, बड़े बड़े मैचों में ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल करने में माहिर सुनील लोहार। सामने सौरभ कांत चौथा शॉट बेहतरीन शॉट सुनील का आता हुआ, फिर से स्कोर टाई यहां पर बरकरार है, टाई कोई तोड़ नहीं पा रहा अभी तक। कांटे का टक्कर चल रहा है यहां पर बिल्कुल, और दर्शक बिल्कुल साथ इस मैच का आनंद लेते हुए। अंतिम शॉट लेने के लिए जा रहे हैं अंश क्लब कांके की ओर से सुधीर चेस नंबर चार, अंतिम शॉट और इस बीच यहां पर सबसे चोट आएगा सुधीर, लंबा रन अप बेहतरीन शॉट कोई मौका नहीं तरुण के पास, और फिर से यहां पर आगे होते हुए अगर इजरा ठीक रोल सबसे चूट के तौर पर यहाँ पर उतरे सौरभ कांत की जगह पर, क्या ये पंजाब के सचिन सौरभ को रोककर क्वार्टर फाइनल में पहुंचना चाहेंगे। पंजाब मुर्मू काफी अनुभव उनके पास, सबसे छूट के तौर पर यहाँ पे गोलकीपर को उतारे हैं अंस क्लब पाके चिगरुल,
रे दे देना ना, अभी तक तो ले जाना था, तुम अभी तक लेते। ठीक ठीक जाओ जाओ, हम अभी ये कर रहे हैं। इस बार मामा एसपी अपने गोलकीपर में तब्दील की है, तरुण महतो की जगह पर यहाँ पर स्मार मैदान में उतारे हैं। पब्लो सोरेन और जस्ट नंबर 7 में अंश क्लब कांके की ओर से आप जो देख रहे हैं वो खिलाड़ी हैं, अंतिम शॉट लेने के लिए गए हुए स्टेफन। हुलुंडो एफसी आप तैयारी की हालत में रहेंगे और जो भी टीम इस मैच में विनर होगी वो ग्राउंड में रहेंगे। आपके पास 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होगा रेस्ट करने का। अंतिम शॉट पर यहाँ पर देख रहे हैं, दिलचस्प होने वाला है क्या। आज क्लब के स्टेफन इसको गोल में तब्दीली करके स्टाइल को बरकरार रखेंगे। फिलहाल बेहतरीन शॉट, बबलू सोरेन के पास कोई मौका नहीं है और अभी भी टाई बरकरार है यहाँ पर। फिलहाल कोई भी टीमें यहाँ पर टाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। अब थोड़ा सा रोमांचक यहाँ पे चिगरुल काफी अनुभवी गोलकीपर काफी फुर्तीले टाई पहले जाने जाते हैं, काफी ऊंचे काफी लंबे। ठुल्लू सोरेन है उनके सामने, चर्च नंबर 15 ठुल्लू सोरेन काफी लंबा उनका रनअप। सामने अनुभवी गोलकीपर चिकरोल बेहतरीन शॉट आया जरूर था लेकिन उतनी अच्छी बचाव यहाँ पर चिकरोल जिसके लिए यहाँ पर उनको मैदान में उतारा गया था। सब्स्टिट्यूट के तौर पर सौरभ कांत की जगह पर उन पर बिल्कुल खरा उतरते हुए यहाँ पर चिकरोल टुल्लू सोरेन के शॉट को बचाकर एक मौका दे चुके हैं की टीम को। धड़कने तेज होते हुए स्टेफन के मैं चाहूंगा जो एक्स्ट्रा या जो एक्स्ट्रा पब्लिक है वो अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। एक बड़ा टूर्नामेंट है, ये बड़ा मैच है। आप सामने है बबलू सोरेन, उनके क्या बबलू सोरेन इस शॉट को रोककर फिर से टाई को बरकरार रखेंगे। फिलहाल सैंडी का ये छोटा सा रनअप काफी ऊंचे करके खिलाड़ी सैंडी बेहतरीन शॉट और उसी के साथ अंश क्लब काफी इस टूर्नामेंट की अंतिम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन चुकी है जिनका सामना होने वाला है के साथ। और अंश क्लब का आके आप ग्राउंड के अंदर ही रहेंगे, ग्राउंड के अंदर ही रेस्ट करेंगे और हुलुंडो एफसी आपके 10 मिनट के अंदर ग्राउंड में प्रवेश कर जाएंगे।